मैंने कुछ भिखारियों को भी नोट किया है, जहां आप नहीं पहुंच सकते मैं वहां भी घुस के चीजें लेके आता हूं। कुछ भिखारी होते हैं, भीख मांगते हो, एनर्जी बहुत डालते हैं, ताकत बहुत लगाते हैं। आप जा रहे हैं अचानक, हक मौला, हक मौला, दे बाबा को दे दे दे, डरा क्यों रहा है? हक मौला बाबा को दे, याद रख बाबा ने तुझसे मांगा है, दे दे। हाँ डांट मत, ये ले, दे दे, हाँ हाँ हाँ, ये लो, तूने दिया, बाबा खुश हुआ, अब मांग मांग, क्या मांगता है, मांग ले। मैं बोला मेरे पैसे वापस दे। दूसरे जो टाइप है भिखारियों का, कुछ होते वो बहुत सौम्य होते, सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम एनर्जी नहीं लगाएंगे। आप जा रहे हैं, आपके कान में आके धीरे से बोलेंगे, बाबू हे बाबू, 10 रुपया दे दे बाबू, रिचार्ज करवाऊ, गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। अरे वाह, भिखारी ने गर्लफ्रेंड बनाया? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया। थैंक यू। शोले, शोले पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए कि गब्बर बूढ़ा होता तो क्या होता, गब्बर भुलक्कड़ होता तो क्या होता, है ना पाजी, गब्बर वाले आइटम। अभी मैंने सोचा है कि गब्बर अगर गे होता, अब है दुनिया में तो अब क्या करोगी, पराठे के शौकीन भी। गब्बर अगर गे होता तो शोले कैसी होती? गे गब्बर घूम रहा है, जो जैसा होता उसके चेहरे पे भी आ जाता है, यूं घूमेगा कुछ इस तरह। ए कालिया इधर आ, कुछ नहीं करेंगे, आओ तो। कालिया क्या बोलता, नहीं यहीं से ठीक है, कुछ नहीं। तुम बताया कि कितने आदमी थे? बोले 2 आदमी, वो 2 और तुम 3। फिर तो कोई लॉज लिया होगा। कितना गोली है इसका अंदर, तूने भरा, तुमको पता होगा। तेरा क्या होगा कालिया, आप दूर रहोगे तो ठीक ही होगा। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम, अगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अरे आप नहीं हो, मत बोलो यार। अपने देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो बहुत लकी हैं, हर तरह से ऊपर वाले ने आपको सेटिस्फाइड किया है। बाहर इतनी बेरोजगारी, डॉक्टर बनना बहुत लोगों का सपना है। मैंने तो ये तक सुना है, मैं तो सिर्फ सुन ही सकता हूँ, कि MBBS के लिए एक एक सीट के लिए कोई बोलता 35 लाख का रेट है, कोई बोलता 40 लाख का रेट है। पाजी पाजी कितना रेट है? यही ना, 40 लाख का रेट है। लोग खेत तक बेच देते हैं, और अगर किसी तरह पढ़ भी लिया, डॉक्टर बन भी गए, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती और खुद का हॉस्पिटल खोल नहीं सकते। तो आगे चल के देखना, अगर यही हालात रहे तो ये तमाम लोग ट्रेन में घूमेंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक वाले बेचते हैं सामान, समोसा बेचते हैं, रेवड़ी बेचते हैं, कचौड़ियां बेचते हैं ट्रेन में, उसी तरह से डॉक्टर वकील ये लोग भी निकलेंगे। ट्रेन जा रही है रात को 2 बजे, रतलाम स्टेशन पे खड़ी हुई, प्लेटफॉर्म से आवाज आ रही है, डॉक्टर बोले डॉक्टर, डॉक्टर बोले डॉक्टर, डॉक्टरिया, डॉक्टर वालिया, डॉक्टरिया। ट्रेन चल ऊपर, जो पैसेंजर सो रहा है उसमें भी डिस्टर्ब हो रहा है, पीछे से घूम रहे डॉक्टर का मॉडल, जॉइंटिस फ्लू बदन में डॉक्टर ही, अल्सर पल्सर पथरी निकलवा लो, किडनी बदलवा लो, जॉइंटिस फ्लू डॉक्टर वाले, इंजो प्लास्टिक बलूनिंग बाईपास सर्जरी करवा लो डॉक्टर ही। वो रहे तक उधर, कोई बीमार नहीं, तक यार कोई बीमार नहीं है, चलो यहां उतरो,
अटेंडेंट किधर, तुम कहां रह गया, ये चढ़ाते साहब, ये मथुरा से चढ़ते हैं तो तुम दरवाजा बंद रखो ना साहब, चढ़ जाते क्या करें। डॉक्टर को बनाया उसके पीछे पीछे किडनी लिए हुए बाल्टी में कंपाउंडर ने। लेकिन अपना देश इतना विशाल है कि हर एक के लिए कोई ना कोई मौजूद भी है। अब ऐसे में एक पेशेंट भी मिल गया, वो बोला है डॉक्टर बंबई जा रहे थे बाईपास के लिए तो तुम ही कर दो। वो बर्थ में उसको लिटा दिया, चलती ट्रेन में उसको खोलना शुरू कर दिया। मरीज इधर है देख रहा विंडो में, हम यहां खुले हुए हैं बाहर कहां देख रहे। दादा ठीक हो पाओ या नहीं ठीक हो पाओ, आपको बता दे मैं बड़ौदा के आगे नहीं जाता हूं।